तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर है, इसका इनपुट पावर फैक्टर कैसे कंप्यूट करना है। तो अगेन हमारे पास दो केसेस होंगे, एक जब लोड हमारे पास रेजिस्टिव होगा और दूसरा केस जब लोड हमारे पास आरएल होगा, हाईली इंडक्टिव। सबसे पहले मैं इनकी जो वेव फॉर्म्स हैं वो ड्रा कर देता हूँ कि अगर हमारे पास है रेजिस्टिव लोड तो वेव फॉर्म लोड करंट की बनेगी जिस तरह से ओमेगा टी है पाई बाय थ्री प्लस अल्फा से टू पाई बाय थ्री प्लस अल्फा तक एक पल्स और फिर पाई प्लस अल्फा तक एक और पल्स। मींस कि एक पल्स हमारे पास इस शेप की आएगी, सॉरी यहाँ तक आ जाएगी, और दूसरी पल्स जो है वो ऐसे बन जाएगी, सिमेट्रिक पल्स होगी। इसी तरह से फिर आगे 4π/3 से प्लस अल्फा से इसी तरह से एक पल्स, फिर एक और पल्स, तो ये हमारे पास 5π/3 प्लस अल्फा और 6π/3 या 2π प्लस अल्फा, ये हमारे पास वेव फॉर्म आ जाएगी। फेज़ ए की मैं बात कर रहा हूँ, फेज़ ए की इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। जो सीक्वेंस हमारे पास कोई पुराना चल रहा है इस लेक्चर सीरीज़ में कि वी हैट हमारे पास है साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई सिक्स है, वी बी हमारे पास है वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5π/6, और वी सी है हमारे पास वी हैट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 9π/6। अब अगर लोड हमारे पास इंडक्टिव होता है तो फिर उसमें सिंपली जो चेंज आता है वेव फॉर्म में वो कुछ यूँ होगा कि जो करंट है आउटपुट पे, क्योंकि वो कांस्टेंट बन जाता है, इस वजह से हमारे पास इनपुट साइड पे जो पल्सेस की शेप है वो कुछ यूँ बन जाती है। तो ये हमारे पास करंट की वेव फॉर्म है, अगेन फॉर आई ए। ये हमारे पास है रेजिस्टिव लोड के लिए आर लोड, और ये वाला है हमारे पास इंडक्टिव लोड के लिए करंट की वेव फॉर्म। ओके, अब हमने फाइंड करना है पावर फैक्टर। तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टिव लोड से, आर लोड से। पहले ये कंसिडर कर लेते हैं आर लोड के लिए पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर पर्टिकुलरली इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे वी नॉट एवरेज से ओवर थ्री टाइम्स वी एस आर एम एस टाइम्स आई एस आर एम एस। अच्छा, जो इससे पहले के लेक्चर है थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर से रिलेटेड, उसमें हमने जो चीज़ें कंप्यूट की हैं रिगार्डिंग आउटपुट वो है वी नॉट एवरेज हमने कंप्यूट किया था, एंड दैट इज़ 3√3 वी हैट ओवर पाई टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा। और दूसरी चीज़ हमने उसमें जो फाइंड की है वो है वी नॉट आर एम एस, और वो हमारे पास है √3 वी हैट टाइम्स 1/2 प्लस 3√3 ओवर 4π टाइम्स कॉस ऑफ 2 अल्फा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर थ्री फेज ब्रिज रेक्टिफायर का जो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी, उसके अंदर ये चीज़ हमने कंप्यूट की है, ये दो चीज़ें वी नॉट एवरेज और वी नॉट आर एम एस। तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इस लेक्चर के अंदर। मैंने यहाँ पे पहले से नोट डाउन कर लिया है, डिटेल के लिए आप वो देख सकते हैं लेक्चर। ओके, तो अब हमारे पास वी एस आर एम एस,
तो हमारे पास क्योंकि साइनोसाइडल सोर्स होते हैं तो हम उसकी वैल्यू फाइंड अंडर रूट टू फाइंड कर सकते हैं, वी हैड ओवर अंडर रूट टू। ठीक है, ये फेज वोल्टेज है। और फिर हमारे पास है नेक्स्ट ISRMS, तो ISRMS हम फाइंड कर सकते हैं, वो हमारे पास इक्वल है, क्योंकि इनपुट करंट का अगर हम पीरियड देखें तो ये इसका पीरियड है हमारे पास 2 पाई में ये रिपीट कर रहा है, तो हम इस वजह से इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई इसका पीरियड। लेकिन डिफरेंट इंटरवल्स में इंटीग्रेट करने के बजाय हम सिर्फ एक पल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक पल्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका इंटरवल है π/3 + α टू 2π/3 + α। अब बाकी के जो पल्सेस हैं उसका एरिया सेम होगा, तो इस वजह से मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आगे 4 पल्सेस हैं, 2, 3 एंड 4। सो ये 4 पल्सेस का एरिया जो है हमारे पास आ जाएगा। और फंक्शन जो कि हमारे पास है, जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो करता है फेज़ टू फेज़ वोल्टेज से। फॉर एग्जांपल फेज़ ए से लेके फेज़ सी, तो जो वोल्टेज लोड के ऊपर आती है वो फेज़ टू फेज़ होती है। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो करंट है वो भी हमारे पास होगा √3 times वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी। इस केस में ये वी ए बी है, तो इसका मतलब ये ए से स्टार्ट होके बी पे एंड हो रहा है, वी ए बी टाइम्स डी ओमेगा टी। ओके, और ये मैं डिवाइड बाय आर कर दूंगा, क्योंकि करंट इनपुट या इनपुट साइड पे जो हमारे पास करंट है वो ये है वी ए बी ओवर आर, मतलब आउटपुट जो है वो वी ए बी है, और सिंपली आर से जब आप डिवाइड कर देते हैं तो ये आपके पास I0 आ जाता है फ्रॉम π/3 + α टू 2π/3 + α। ओके, और अब हमने इसको स्क्वेयर करना है, क्योंकि हम RMS फाइंड कर रहे हैं वैल्यू, और इसको फिर अंडर रूट जो है उसमें क्लोज कर देंगे। ओके, अब हमारे पास इसको हम मैच कर सकते हैं V0 RMS से, और उसके लिए हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये कि आउटपुट की जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, जो पीरियड है सॉरी, वो है 2π/6 है, वो 2π/6 है। तो जब हम लिखते हैं 1/2π/6 तो वो 3π बन जाता है, जब हम एवरेज फाइंड कर रहे होते हैं या RMS फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं इसको एक फॉर्म में लिख देता हूँ, कि हमारे पास आ जाएगा इस ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, उसको मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ, और फिर π/3 + α टू 2π/3 + α, और जो r है R² है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाहर लिख देता हूँ। सो वी आर लेफ्ट विद √3 वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी, और इसका होल स्क्वेयर टाइम्स डी ओमेगा टी, और अब मैं अंडर रूट ले लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जो टर्म यहाँ पे अब बन रही है, ये जो टर्म है ये हमारे पास बनती है V0 RMS, V0 RMS हमारे पास इस तरह से बनती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ISRMS जो है वो हमारे पास है 2/3, 2/3 times R और V0 RMS, सॉरी मैंने मैसेज कर दिया इसको, ओवर आर टाइम्स √2/3। तो ये हमारे पास लेट मी कॉल इट 2, और ये हमारे पास एक जो है इसको मैं 1 कह देता हूँ। तो अब फाइनली हमें फाइंड करना है P0 एवरेज, तो P0 एवरेज फाइंड कर सकते हैं हम। P0 एवरेज के लिए
क्योंकि आउटपुट साइड पे मैंने बताया कि हमारे पास पीरियड है 2π/6, तो मैं इसको 3/π लिख देता हूँ। इंटीग्रेट करते हैं हम, जो लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की, अगेन वही रखते हैं, π/3 + α to 2π/3 + α, और साथ में अब यहाँ पे एक हमारे पास वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, सो आउटपुट वोल्टेज है एंड थ्री अंडर रूट थ्री वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी, जो कि वी ए बी है। इस दौरान आउटपुट वोल्टेज वी ए बी है, और अंडर रूट थ्री वी हैड ओवर आर टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी, और ये हमारे पास है आई नॉट, जो कि इस टाइम है वी ए बी ओवर आर। तो अगर हम इसको ज़रा कंपैक्ट फॉर्म में लिखें तो इट्स 3 times 3/π, सॉरी, फ्रॉम π/3 + α to 2π/3 + α, और ये आर जो है हम इसको बाहर लिख सकते हैं, और ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, अंडर रूट थ्री वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी होल स्क्वेयर टाइम्स डी ओमेगा टी। तो आउटपुट की जो एवरेज वैल्यू है वो अब हम लिख सकते हैं कि ये है वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर ओवर आर, ठीक है, सिंपली ये है वी नॉट आर एम एस। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन, लेट मी कॉल इट 3। सो पावर फैक्टर, अब अगर हम लिखें पावर फैक्टर में, अब हम अगर सब्सिट्यूट करें वैल्यूज़, सो पी नॉट एवरेज है हमारे पास वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर ओवर आर, और वी एस आर एम एस हमारे पास है वी हैट ओवर अंडर रूट टू, और एक और चीज़ जो हमारे पास है आई एस आर एम एस, आई एस आर एम एस हमारे पास है अंडर रूट 2/3 टाइम्स वी नॉट आर एम एस ओवर आर। तो ये आर कैंसिल हो सकता है यहाँ पे, ये वी नॉट आर एम एस स्क्वेयर के साथ, ये जो है हमारे पास अंडर रूट टू, ये इस अंडर रूट टू के साथ कैंसिल हो सकता है। ओके, यहाँ पे मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो है थ्री, ये जो थ्री का फैक्टर है ये मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, सो यहाँ पे फैक्टर है थ्री का। तब फाइनली हमारे पास है वी नॉट आर एम एस, और ये थ्री जो है, अगर ये अंडर रूट थ्री अगर कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे बन जाएगा अंडर रूट थ्री टाइम्स वी हैट। तो ये हमारे पास पावर फैक्टर की इक्वेशन जो है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अगर इस इक्वेशन को यूज़ कर लें, वी नॉट आर एम एस की ये वाली इक्वेशन, तो इसमें से अंडर रूट थ्री वी है जो इस इक्वेशन के अंदर है ये निकल जाएगा, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी फाइनली 1/2 + 3/√3/4π × cos(2α)। ये हमारे पास है पावर फैक्टर फॉर द आर लोड, आर लोड के लिए ये है हमारे पास। ओके, तो अब अगर हम फाइंड करते हैं फॉर दी आर एल लोड, तो आर एल लोड के केस में हमारे पास अगेन वी एस आर एम एस वही रहेगा, वी हैट ओवर अंडर रूट टू, आई एस आर एम एस क्योंकि वेवफॉर्म चेंज हो रही है, तो आई एस आर एम एस इस केस में होगा हमारे पास, पीरियड हमारे पास है इसका
टू पाई है, लेकिन मैं हाफ साइकिल से काम चला रहा हूँ, तो मैं 1 ओवर पाई लिख देता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ मैं पाई बाय 3 प्लस अल्फा से, पाई बाय 3 प्लस अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, और जो फंक्शन है वो है आई नॉट स्क्वेयर डी ओमेगा टी। तो अब हम इस इंटीग्रल को अगर इवेलुएट करें तो पाई बाय 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3, अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल हो जाएगा और 1 ओवर पाई। सो आई एस आर एम एस हमारे पास आर एल लोड के केस में है आई नॉट टाइम्स अंडर रूट 2 ओवर 3। मैं जस्ट कॉल इट 2, यहाँ पे मैं इसको 1 कह देता हूँ। अब फाइनली पावर फैक्टर के लिए मुझे फाइंड करना है पी नॉट एवरेज आउटपुट की, आउटपुट पे जो एवरेज पावर डिलीवर हो रहा है। सो अगेन आउटपुट पे हमारे पास पीरियड है 2 पाई बाय 6, मैं लिख सकता हूँ 3 ओवर पाई पाई बाय 3 प्लस अल्फा टू 2 पाई बाय 3 प्लस अल्फा, एक पल्स के अंदर कितनी पावर डिलीवर हो रही है। तो आई नॉट हमारे पास करंट है उस टाइम पे, और अंडर रूट 3 वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी जो कि वी ए बी है हमारे पास, ये वोल्टेज और करंट जो उस टाइम पे है आई नॉट है, तो ये पावर डिलीवर हो रहा है इंस्टेंटेनियसली। अगर हम इसको एवरेज कर दें तो ये हमारे पास एवरेज पावर डिलीवर जो है वो फाइंड अप हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसमें से बाहर निकाल दें आई नॉट को, तो बाकी का जो टर्म है, जो बाकी के टर्म रह जाता है हमारे पास 3 ओवर पाई पाई बाय 3 प्लस अल्फा 2 पाई बाय 3 प्लस अल्फा अंडर रूट 3 वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो टर्म आता है ये है वी नॉट एवरेज, ये बन जाता है वी नॉट एवरेज जो कि यहाँ पे बताया गया है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ पी नॉट एवरेज इज आई नॉट टाइम्स 3 अंडर रूट 3 वी हैड ओवर पाई टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा। तो ये हमारे पास, इसको मैं 3 कह देता हूँ। अब मैं पावर फैक्टर फाइंड कर सकता हूँ, पावर फैक्टर इज पी नॉट एवरेज ओवर 3 टाइम्स आई एस आर एम एस टाइम्स वी एस आर एम एस। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम पी नॉट एवरेज की वैल्यू आई नॉट टाइम्स 3 अंडर रूट 3 वी हैड ओवर पाई टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा ओवर 3, और जो आई एस आर एम एस है वो है हमारे पास आई नॉट टाइम्स 2 ओवर 3 वी एस आर एम एस हमारे पास है वी हैड ओवर अंडर रूट 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, पावर फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, आई नॉट कैंसिल हो सकता है, वी हैड कैंसिल हो सकता है, और ये अंडर रूट 2 कैंसिल हो सकता है इस अंडर रूट 2 के साथ, और क्या चीज़ें कैंसिल हो सकती है, तो वो है ये 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और जो दूसरा 3 है ये अंडर रूट 3 ये फ्लिप हो जाएगा, हमारे पास फाइनली रहेगा 3 ओवर पाई टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा। सो 3 ओवर पाई टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा, ये हमारे पास पावर फैक्टर है इन केस ऑफ आर एल लोड, और ये अल्फा डिपेंडेंट है।
मैक्सिमम वैल्यू जो कि इसकी हो सकती है वो है 0.954, जो कि इस 3 पाई की है, टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा। तो अब ये वैल्यू तब हो सकती है अगर अल्फा हमारे पास 0 है तो 0.954 है, और जैसे जैसे अल्फा अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो कॉस ऑफ अल्फा रिड्यूस होगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास जो पावर फैक्टर है वो रिड्यूस होगा।